जय हिंद मैं मुबीन। साथियों अभी इस वक्त हम खड़े हैं रायगढ़ रोड पे, जो कि आप लोगों को पूरा रोड दिखा दूं। इस वक्त हम रायगढ़ रोड पे हैं। ये देखिए मेरे पीछे आप देख रहे होंगे नगर भवन, ये रोड है खरड़ी। ये देखिए ये मेरे बैक साइड में आप रायगढ़ किला जाएंगे, और ये देखिए ये हम महाड़ की तरफ से आ रहे हैं। 12 किलोमीटर यहाँ आए हैं। हम लोग यहाँ महाड़ से आए हैं 12 किलोमीटर पे। ये नगर भवन खरड़ी खड़की। तो अभी ये इस गेट के ज़रिए से हम अंदर जाएंगे लगभग 3 किलोमीटर। और साथियों 3 किलोमीटर पे ज़मीन है, 4.25 एकड़ रीसेल प्रॉपर्टी है। तो मैं चाह रहा था आप लोगों को वो दिखाऊं, मैं शायद कोई ज़रूरतमंद हो या जिसको इस तरह की ज़मीन पसंद हो। तो अब हम चलते हैं प्लॉट पर, मेरे साथ आप लोग बने रहें। आखिरकार हम लोग ये बराबर 3 किलोमीटर मैंने बताया था आप लोगों से जैसे के, तो अब हम लोग इधर पहुंच चुके हैं जगह पर। और ये देखिए ये निशानी के तौर पर ये एरो देख लें आप, इसके पहले लेफ्ट साइड में हमको अंदर जाना, ठीक है। ये देखिए ये पहले अभी किसी ने लेकर ये बनाया है, फार्म हाउस भी बना रहे हैं। तो ये भी आप लोग देख लीजिए। फिलहाल अभी हम यहाँ चलेंगे इसी से दोस्तों, यही रोड आगे नगर भवन अपना रोपवे में गया है। रायगढ़ किला देख लीजिए आप सामने। हाँ माफ़ कीजिए, मैंने अभी गलती से मेरे मुंह से निकला कि सामने रायगढ़ किला, लेकिन यही रोड जो है रोपवे जो है वो किले के पास जाता है। तो अभी फ़िलहाल हम ज़मीन में चलेंगे। देखिए ये रोड से अंदर ये 50 मीटर का जो है पूरा ये सब मतलब अपना ही एंट्री है, किसी और का एंट्री नहीं है। इस तरह से ये पत्थर के अंदर, ठीक है। तो ये जगह है टोटल 4.25 एकड़ रीसेल प्रॉपर्टी है, सिंगल ओनर है। और जिसको फार्म वगैरह बनाना हो, गोट फार्मिंग वगैरह के लिए, तो भी इलाका ठीक है, एक अलग सा है, जंगल है, यहाँ कोई खेती वेती होती नहीं है, तो उस हिसाब से कोई इशू नहीं है। और गांव ये बराबर 1.25 किलोमीटर यहाँ से गांव है लगभग। ये खरड़ी में आता है, देख लीजिए ये पेड़ वगैरह सब हैं। राइट साइड में थोड़ा सा रॉक एरिया, तो ये अपने में नहीं है रॉक एरिया, अपना प्लॉट ये जो है अभी फ़िलहाल ये चल रहे हैं यही है, ठीक है। तो मतलब क्लास 1 का प्रॉपर्टी है और रीसेल है, सिंगल ओनर है। इसकी कीमत है साथियों 5.5 लाख रुपए प्रति एकड़, ठीक है, 5.5 लाख रुपए प्रति एकड़। यहाँ से 5.5 लाख रुपए प्रति एकड़ ये प्लॉट है। ये आ गया इस तरफ से, ये इसका साथियों मैंने वीडियो, छोटा शॉर्ट वीडियो हमारे वसीम भाई ने बनाया था बहुत पहले, तो उसका कुछ वीडियो मतलब बराबर से शायद दिख नहीं रहा था या कुछ समझ नहीं आया, लोगों का रिस्पांस ना मिलने की वजह से कोई रिप्लाई नहीं आया। तो ये वीडियो अब मैं फिर से बना के अपलोड कर रहा हूँ। ये हमारे बगल में भी किसी ने प्लॉट लिया है और उसने कंपाउंड वगैरह कर लिया है, तो एक साइड तो समझो क्लियर है। इन्होंने भी सर्वे किया, आप भी लेने से पहले इसको सर्वे कर सकते हो। वैसे इनका किया हुआ है, देखिए पोल वगैरह सब डला है। ये ऐसे इस तरह से प्लॉट है, इसमें जेसीबी वगैरह कुछ। पीछे कितना है आम का झाड़, कहाँ है ये
पीछे कहाँ तक है मैं आप लोगों को दिखाना चाह रहा था। हाँ, ये आम का पेड़ है वहाँ। ठीक है, तो ये पूरा एरिया मैं सोचा दिखाऊं आपको, इसमें कुछ ऊपर नीचे जो है वो आपको दिखाऊं, इसमें काम करना है नहीं करना है वो आप तय करें। ये देखिए, ये इस तरह से ऐसे है, ये देखिए, ये ऐसे अप डाउन होते हुए। साथियों, ये रेट आप सुनेंगे कि 5.5 लाख रुपए पर एकड़ कैसे है, तो ये जो है रायगढ़ के जोन में है, और रायगढ़ अभी फ़िलहाल जो है वो बहुत ज़्यादा चर्चा में इसलिए भी है कि ये शिव सृष्टि जो है उसका काम हो रहा, तो उस वजह से यहाँ पर, और मेन ये रायगढ़ रोड होने की वजह से इसके वैल्यू ज़्यादा। अभी आप लोगों को कच्चा लग रहा होगा, ऐसे उजाड़ लग रहा होगा, बट जो अभी गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट शुरू है रायगढ़ में, वो होने के बाद ये जगह सोना हो जाएगी। अभी जिसने ख़रीदा था, ज़रूरतमंद है, वो पैसे की ज़रूरत है, कुछ होगा परेशानी, तो वो बेच रहे हैं। तो अगर कोई कैपेबल है जो इतना लगा सके तो ज़रूर इसको देखें। और मिट्टी है ये इसमें, मतलब हाँ, ये देखिए, ये यहाँ तक है, ये आखिरी हद, ये देखिए, ये इस तरफ आखिरी है, और ये पूरा रेड सॉइल है, रेड। तो हर वीडियो में मैं बताता ही हूँ। और ये जो बीच बीच में पत्थर देख रहे हैं आप, ये जमा करके इसी का कंपाउंड बना दिया जाएगा। तो अब आगे वाला हिस्सा मैं दिखा दूँ आप लोगों को, पूरा मुकम्मल वीडियो नहीं होता, इस वजह से मैंने वापस, अभी इस वक्त दोपहर के लगभग 3:15 होने वाला है। ये पानी, बारिश में जो है पानी का रास्ता है, ये देखिए, ये ऐसे, ये देखिए, ये ऐसी जमीन है। ये जो छोटे छोटे ये दिख रहे हैं पेड़, ये देखभाल ना होने की वजह से इसके अंदर ये ऐसे हो जाते हैं। जब एक बार काम हो जाएगा ना, इस तरफ कहाँ पे है, अच्छा, तो साथियों ये देखो, ये देखो, ये ऐसे जगह ऐसे नीचे आ, ये पानी का जो रास्ता आ रहा है इसके ऊपर से होते हुए, ये ऐसे पानी का रास्ता जो घूमा है इसके अंदर, फिर इसके बाद ये सामने जो, हाँ, ये वाला हिस्सा जो आ रहा है, ये इसमें लगभग जो भी हो, 1 एकड़ 20 गुंठा जो भी हो, ये मुरूम और रॉक है, ठीक है। तो हाँ, तो मतलब वही 2.5 से 3.25 एकड़ इस पानी के वॉल के इस तरफ है, और बाकी जो है 1.25 एकड़ उस तरफ है। तो पूरा पत्थर नहीं होगा, उस तरफ मिट्टी है थोड़ा सा, ये बीच में आके थोड़ा सा ये रॉक है पत्थर। तो ये देखिए, ये ऐसे कंपाउंड, इस तरफ की ज़मीन तो कंपाउंड की हुई है, ठीक है। अच्छा, ये हम, ये देखिए, ये ऐसे पूरा कंपाउंड। तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ये वाला जो पट्टा, अभी हम लोग वहाँ से ऊपर से आए हैं, वो जो दिख रहा है, तो ये इस तरह से ऐसी पूरी ज़मीन है ऐसे, ये देखिए। अब हम रोड की तरफ निकलेंगे, बाहर की तरफ। ये बगल का तो प्लॉट तो एक, और जो गट बुक के हिसाब से ये फेस बराबर बन रहा, थोड़ी इधर ज़मीन अंदर घुसेगी, तो ये इस तरह से। साथियों, प्लॉट अभी आप लोगों को ऐसा दिख रहा है, कच्चा पक्का, लेकिन ये रोड, रोपवे का मेन रोड है रायगढ़ किले को जाने के लिए। एक तो वो सीमेंटेड रोड जो बन रहा है, जिससे हम 3 किलोमीटर अंदर आए हैं, वो नेशनल हाईवे है, और ये स्टेट हाईवे में आ जाएगा। तो ले के रखने में भलाई है, क्योंकि रेट
बढ़ा यहाँ का बढ़ेगा, बहुत बेतहाशा बढ़ेगा। ये देख लीजिए, ऐसे प्लॉट है। अब आप लोग आइए देखिए इसको, ये देखो प्लॉट बढ़िया है। थोड़ा सा हिस्सा तो देखिए, सब में 9-10 होता है। यहाँ पे कोई 12 लाख 10 लाख रुपया लोग मुंह फाड़ते हैं, उस वजह से 5.5 लाख तो कम या ज्यादा मैं नहीं बोलूंगा, रिजनेबल है। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि भाई आपका कमीशन क्या है, मालिक बिठा दो, हम मालिक से डील करेंगे। तो सर ऐसा नहीं होता, मेरी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे इतना मैंने रिस्क लेके इतना सब कुछ किया है, तो इसमें दलाली और कमीशन वाला इशू नहीं है। ये मैंने मालिक से डील किया हुआ है। आप आइए, आपको जगह पसंद है, आप सर्च वगैरह क्या करना है वो करके आप डायरेक्ट खरीदिखत पर आइए। जो भी अमाउंट देना है वो खरीदिखत के वक्त दीजिए, हमको एडवांस में 2-4 लाख रुपए चाहिए ऐसा कुछ नहीं है। आप डील फाइनल करें, 10-25-50 हजार जो है शगुन के तौर पे एक होता है, और उसके बाद सर्च क्लियर है। आप एक टाइमिंग दे दीजिए, टाइमिंग के हिसाब से आपका खरीदिखत हो जाएगा। जिस वक्त खरीदिखत होगा उस वक्त पार्टी साइन करने के लिए डॉक्यूमेंट आ जाएगी। इसमें कोई फ्रॉड नहीं, कोई मतलब गैप, बहुत बड़ा गैप होगा ऐसा भी कुछ नहीं है। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि लोग फ्रॉड बहुत होने लगा है, तो उससे बचाने के लिए कि भाई एक लोकल बंदा है बीच में, तो उसमें फ्रॉड की गुंजाइश थोड़ी कम हो जाती है अगर ईमानदारी से काम किया जाए तो। और मैं ये चाहता हूँ कि भाई हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो में भी बोल रहा हूँ, मैं यही चाहता हूँ कि मेरे से किसी का नुकसान ना हो जानबूझकर, या किसी और का के वजह से मेरा नुकसान ना हो। तो वीडियो को देखें, शेयर करें, लाइक करें, और आप लोगों से उम्मीद है, आप लोगों का शुक्रिया, मेरा वीडियो आप लोग पसंद करते हैं। ये देखिए, ये पेड़ इसी मुंह पे है, ठीक है। ये करीबन 15 फुट का रास्ता जो है वो खरीदा हुआ उनका रास्ता है, और वो अपनी ज़मीन के हिसाब से ही उन्होंने ये जो है लिया है, तो इसमें कोई घबराने वाली या कोई लिटिगेशन का कोई इशू नहीं है। आप लोग आएँ, जगह को देखें अच्छे से। बराबर हम लोग इस वक्त 15 किलोमीटर पर हैं महाड़ से, ये सह्याद्री घाटी है समझ लो, और ये इसी के इस तरफ, ये देख इस तरफ, इसके पीछे ये जो टेकरी दिख रही है इसके पीछे रायगढ़ किला है। मतलब यहाँ से रायगढ़ किला जो है लगभग 10-11 किलोमीटर। ये देखिए, ये पूरा एरिया मैं दिखा दे रहा हूँ आपको, ये मेरी गाड़ी खड़ी है, ये रोड से बराबर ये अंदर एंट्री है। बस ये वीडियो मैं अपना यही कंप्लीट करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।